क्वेश्चन है हमारा 41। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स 1/2 एच क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें जो है सिंपली सेक इनवर्स 1/2 एच क्या होगा सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स एच क्या होता है हमारा रियल माइनस माइनस 1, 1। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। सो देयर इज नो सेट ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर सेक इनवर्स 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 एच। टेन इनवर्स रूट 3 के प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो टेन इनवर्स टेन एक्स होता है वो एक्स के इक्वल होता है कब, जब एक्स जो है एलिमेंट हो माइनस π/2 से π/2 के लिए। तो टेन इनवर्स रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन π/3। अब π/3 तो इसके अंदर ही आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं π/3। यही हमारा आंसर हो गया 42 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 14 π/3 इज क्या होगी वैल्यू। तो इसमें जो है हमारा सिंपली जो है कॉस 14 π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 4π + 2π/3। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। तो ये हो जाएगा 2π/3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है हमारा दिस इज इक्वल टू एक्स होता है, कब होता है जब एक्स जो है एलिमेंट हो 0 से π के लिए। तो ये 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के बाद 44। 44 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वेयर मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एच क्या होगा इसका मान। तो यहाँ पर जो है कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस, ये होता है π/2, तो यहाँ π/2 रख देंगे तो ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, कॉस π/2 0 होता है। तो इस तरीके से हमारा यही इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 के बाद 45। ये हमारा द वैल्यू ऑफ टेन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2 एच क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें भी सिंपली जो है हमारा टेन अब ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है अपॉन 2, ये हो गया हमारा टेन π/4।
तो 10π/4 कितना होता है? 1 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 के बाद 46। 46 क्वेश्चन हमारा है कि इफ y इज इक्वल टू 2 tan inverse x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x square, देन ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है इसमें कि क्या होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जो है x की जगह पे tan थीटा रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा प्लस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। दिस इज वाई इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 थीटा। ये 4 थीटा हो गया, तो ये थीटा यहाँ से निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, दिस इज टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमें दे देगा वाई की जगह पर, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 tan inverse x। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि जो टेन इनवर्स एक्स होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4π/2, 4 tan inverse x, 4π/2। तो 4 tan inverse x क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, -2π + 2π। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 के बाद 47। 47 क्वेश्चन सिंपली कह रहा है द रिजल्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 plus x y इज ट्रू व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 plus x y। तो ये होता है, और ये किसके लिए होता है, वेयर एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1। तो यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन -1 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। 47 के बाद जो 48 क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स एक्स इज क्या होगा। तो cot इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, हमें पता है ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, एर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस एक्स कॉमा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, वो तो क्या हो इन टर्म्स ऑफ cot इनवर्स एक्स इज, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, जैसे 49th, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। अब तो जैसे इसमें कह रहा है आपसे कि 49th में कि आल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव
इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। कह रहे हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स, अपने रेस्पेक्टिव डोमेन्स में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो इनवर्स होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में कि फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि वी नो डैट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के बाद ट्रू फॉल्स का 50 क्वेश्चन, 50 नंबर में क्या कह रहा है हमसे कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है आपसे। तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x का होल स्क्वायर। तो ये आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि क्या इसके इक्वल होगा, तो नहीं होगा इसके इक्वल, क्योंकि ये सेक इनवर्स 1/x का होल स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी ये क्या हो गया, फाल्स हो गया। नेक्स्ट हमारे लिए है कि 50 के बाद 51 द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रू या फॉल्स। तो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ITF। तो जी हाँ, एकदम सही है, इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि वी नो डैट स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 के बाद 52। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच टेन इनवर्स एन अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाई 4 कॉमा एन इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन इज वैलिड इज 5। ये आपसे कह रहा, पूछ रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन होगी टेन इनवर्स एन अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाई 4 की वैलिड वैल्यू क्या 5 होगी? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एन अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाई 4 है, तो ये टेन ले लेंगे इधर, तो ये एन अपॉन पाई इज ग्रेटर देन टेन पाई बाई 4 हो जाएगा, और टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो एन अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन पाई हो जाएगा। और पाई की वैल्यू तो हमको पता है कि कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यानी जो n की वैल्यू होगी वो 3.14 से ज़्यादा होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट
3.14 से ज़्यादा और नेचुरल नंबर हो क्या होगी, 4 होगी। तो यानी 4 होनी चाहिए, यहाँ 5 लिखा, यानी ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 के बाद 53। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 3। तो कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 3, ट्रू या फॉल्स। तो आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं। साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2 है, तो इस साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हो जाएगी। फिर कॉस पाई बाई 6 क्या होती है, √3/2, दिस इज √3/2, दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया पाई बाई 3, तो यही पूछ रहा था पाई बाई 3, यानी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से 53 के बाद 54 नंबर है हमारा। यहाँ पर जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.1 है, ये NCERT का है, ये इसको कैसे करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में 54 में कि फाइंड, यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ 54 डाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की सीरीज में 54 नंबर आया है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि यहाँ पर ए पार्ट है साइन इनवर्स -1/2, बी पार्ट है कॉस इनवर्स √3/2, सी पार्ट है कोसेक इनवर्स 2, डी पार्ट है टेन इनवर्स -√3, ई पार्ट है कॉस इनवर्स -1/2, फिर उसके बाद है एफ टेन इनवर्स -1, जी पार्ट है सेक इनवर्स 2/√3, ये जी एच पार्ट है इसी में कॉट इनवर्स √3, आई पार्ट है कॉस इनवर्स -1/√2, फिर उसके बाद जे पार्ट है कोसेक इनवर्स -√2। तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका जो है पहला पार्ट मैं अगर करूं तो मान लेता हूँ अपनी तरफ से लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2, -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन पाई बाई 6, और माइनस जो है किस में ये देगा हमें, चूंकि इसको जो है इसके डोमेन में ही लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, तो इसलिए लिख दिया। और इसलिए इसको ऐसा बनाया हम लोगों ने क्योंकि माइनस पाई बाई 6 जो है एलिमेंट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए, क्योंकि जो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू है साइन इनवर्स की वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है, तो इसके रेंज में ये आ रहा है कि नहीं वो देखना है। हालांकि ये जो माइनस है ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी देगा, तो पाई प्लस पाई बाई 6 भी हम लोग इसको लिख सकते थे यहाँ पर, तो ये 7 पाई बाई 6 हो जाएगा जो कि इसके रेंज में आएगा नहीं, इसलिए 7 पाई बाई 6 नहीं लिखे हम लोग।
तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाई सिक्स। यही हमारा y की वैल्यू होगी, और y क्या था, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, यही तो हमसे पूछा था, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगी, यही आंसर हो गया। ए के बाद अगर हम लोग बी पॉइंट को देखें तो इसमें भी वही y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू मान लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू को फिर से उसी तरीके से कॉस y इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, और ये होता है हमारा कॉस पाई बाई सिक्स, रूट थ्री बाई टू की जगह पे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई सिक्स, फिर जो है कंपेयर करेंगे तो इसकी जो रेंज होती है कॉस इनवर्स की जीरो से पाई के बीच होती है, तो जीरो से पाई के बीच में पाई बाई सिक्स लाई कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, और वाई क्या है हमारा कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, दिस इज पाई बाई सिक्स, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर ये जो चीज़ है कैसे लिखा मैंने, इसको ऐसे लिखा कि जब इधर लेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स हो जाएगा, तो ये जो होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ जीरो कॉमा पाई, ये हो जाएगा। उसके बाद ये पाई बाई सिक्स इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है बी के बाद जो है सी, तो यहाँ पर जो है सी में जो है हमसे कह रहा है कि कोसेक इनवर्स टू की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो इसको भी मैंने सपोज किया कि वाई के इक्वल है लेट, और फिर कोसेक वाई इज इक्वल टू टू हो गया, फिर टू की वैल्यू क्या होती है, दिस इज कोसेक पाई बाई सिक्स, और हमें पता है कि जो इसकी वैल्यू होती है द प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो, ये हो गई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई सिक्स, ये हो गया। तो ये जो है हमारा थीटा यानी पाई बाई सिक्स के इक्वल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इसकी वैल्यू पाई बाई सिक्स आ रही है, और y हमारा हकीकत में क्या है कोसेक इनवर्स टू, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला जो यहाँ लगा है वो लगा है कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट ए बी सी डी नंबर है हमारा, यहाँ पर भी वैसे ही लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री मानेंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा टेन y इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, फिर यहाँ लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन पाई बाई थ्री की वैल्यू रूट थ्री होती है, फिर टेन y इज इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे तो ये हमारे को ऐसे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती है, तो माइनस पाई बाई थ्री जो है एलिमेंट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का, तो यहाँ पर हमारा सिंपली आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री, और जो y है हकीकत में वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो ये y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री हो गया। तो यहाँ पर जो y था वो क्या था हमारा tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान हो गया माइनस पाई बाई थ्री, ये हमारा आंसर हो गया।
डी के बाद हमारा ई पॉइंट है, तो वाई इज इक्वल टू हम लोग इसको भी मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई थ्री, और कॉस पाई बाई थ्री इसको लिख सकते हैं कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस है, तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो कॉस पाई माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टू पाई बाई थ्री, दिस इज कॉस वाई, तो ये हो गया हमारा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाई थ्री, तो कॉस इनवर्स कॉस टू पाई बाई थ्री हो गया, तो इससे जो सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू टू पाई बाई थ्री, और चूंकि टू पाई बाई थ्री जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, जो फार्मूला हम लोग पढ़े कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ जीरो कॉमा पाई, तो जीरो से पाई के बीच आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा वाई के हकीकत में कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू है। ई के बाद हमारा नेक्स्ट एफ, तो ये एफ नंबर है हमारा, इसमें भी वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं टेन इनवर्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टेन पाई बाई फोर, और माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन वाई इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा माइनस पाई बाई फोर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो इसलिए माइनस पाई बाई फोर उसके बीच लाई कर जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, यही हमारा आंसर हो गया, वाई के हकीकत में टेन इनवर्स माइनस वन है। तो 54 क्वेश्चन को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 54 में 10 क्वेश्चन की सीरीज आ रही है, तो 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 तक है, 54 टू 63 ऐसे मैं डाल देता हूँ नंबर, तो ज़्यादा सही रहेगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने एक एक नंबर दे दिया। अब एफ के बाद हमारा है 54 55 56 57 58 59 क्वेश्चन है, ये 59 ये हमारा 60 है, ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो जी है सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3, सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको भी y एज्यूम कर लेंगे, और ये हो जाएगा sec y इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, और 2 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है sec पाई बाई 6 की होती है, तो ये हो जाएगा हमारा sec पाई बाई 6, तो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच sec इनवर्स इज जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, ये होती है, तो ये हो गया हमारा sec इनवर्स जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। अब जो है इसको चेक कर लेते हैं, तो ये sec पाई बाई सिक्स है तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है यानी सही है, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं sec इनवर्स sec पाई बाई सिक्स, और ये हमारा फार्मूला होता है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इज इक्वल टू थीटा देगा कब, जब इसके रेंज में होगी वैल्यू, तो है इसके रेंज में, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, और y हकीकत में क्या है sec इनवर्स 2 बाई रूट 3 है, तो यही इसका वैल्यू हो गया आंसर। जी के बाद हमारा है H है हमारा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3,
कॉट इनवर्स रूट थ्री है, तो इसमें भी उसी तरीके से कॉट वाई इक्वल टू रूट थ्री, तो कॉट वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉट पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पर वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स कॉट सॉरी ये पाई बाई सिक्स है, कॉट पाई बाई सिक्स, और हमारा फार्मूला होता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ जीरो कॉमा वाई, देयर फोर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस कॉट इनवर्स रूट थ्री क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स, और वाई हकीकत में क्या, कॉट इनवर्स रूट थ्री, यही हमारा आंसर हो गया। जी के बाद है हमारा एच, एच के बाद आई, ये होगा हमारा, इसको भी वाई मान लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू हो गया ये, और इसमें भी जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे सिंपली तो ये हो जाएगा कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई फोर, दिस इज कॉस वाई इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई फोर, और वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई फोर, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर जीरो से पाई के बीच में तो आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत है, तो इसको जो है हम लोग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, चूँकि ये निगेटिव है माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग माइनस और किस में दे सकता है, तो यहाँ पर गलत यहीं पर इसलिए है क्योंकि कॉस इनवर्स जो हमारा है कॉस वाई जो है माइनस कॉस पाई बाई फोर है, और कॉस माइनस पाई बाई फोर ही कभी होता नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है, प्लस में ही होता है, इसलिए यहीं पर रॉन्ग हो गया है, ये यहीं पर रॉन्ग हो गया है, तो इसको फिर कैसे करेंगे, तो ये जो है हमारा कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई फोर, ये तो सही लिखा है लेकिन ये निगेटिव किस में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर, अब ये सही है, तो ये चीज़ जो है जानबूझ करके मैंने ऐसा किया कि अधिकतर बच्चे ऐसा लिखते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसके रेंज पर भी ध्यान देना है और साथ में ये होता ही नहीं है फॉर्मूला, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस थ्री पाई बाई फोर हो गया, तो ये थ्री पाई बाई फोर तो हमारा जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थ्री पाई बाई फोर, तो ये हो गया वाई इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, और वाई क्या है हकीकत में, कॉस इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट टू, तो वाई इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा आई के बाद जे लास्ट वन, ये कह रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, इसको कह सकते हैं जे नंबर यानी 63 है हमारा, ये जो है हमसे कह रहा है कि बताइए इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू की वैल्यू क्या हो सकती है, कि इसको भी ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू माइनस रूट टू, यहाँ एज्यूम किया था लेट, अब जो है इसको रूट टू वैल्यू किसकी होती है, कोसेक पाई बाई फोर की, तो माइनस कोसेक पाई बाई फोर, और ये होता है कोसेक माइनस पाई बाई फोर कोसेक y, अब उसके बाद y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई फोर, तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, क्यों, क्योंकि जो कोसेक इनवर्स x होता है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल होगा, फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस ज़ीरो, तो ये फार्मूला होता है, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इसकी वैल्यू राई कर रही है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग 63 क्वेश्चन के बाद 64 क्वेश्चन पर,
ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज के चल रहे हैं इस समय, एक्सरसाइज 2.1 के। कौन से एक्सरसाइज के? 2.1 के। तो 64 क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इनको जो है, सबसे पहले इन सबको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है। लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस पूरे को मैं एज्यूम कर लेता हूँ वाई के इक्वल, वाई टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब टेन इनवर्स इसको मैं मान लेता हूँ y1, इसको y2 और इसको y3। तो y1 है हमारा टेन इनवर्स 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन y1 इज इक्वल टू 1, दिस इज टेन π/4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये टेन y1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैं इसको इधर साइड ले लूँगा, तो टेन इनवर्स टेन π/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा π/4, और π/4 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आता है मान। तो यहाँ पर जो y1 का वैल्यू आ गया वो π/4 आ गया, यानी मैं यहाँ पर, ये सही था, सॉरी इसको मैंने गलत काट दिया, यानी मैं इसको जो है इस y1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, π/4। इसी तरह जब इसको y2 हम लोग मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा cos y2 इज इक्वल टू माइनस 1/2, और 1/2 क्या होता है हमारा cos के टर्म में, आपको अच्छी तरीके से पता है ये क्या हो जाएगा। हाँ बोलिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos π/3, दिस इज cos y2। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं cos, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो तो cos पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा cos 2π/3, दिस इज cos y2। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2π/3, जो कि इसके रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में है, ये मैं पहले करा चुका हूँ। तो यहाँ पर y2 की जगह पर 2π/3 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से y3 को कैलकुलेट करें तो ये π/6, तो ये माइनस π/6 के लिए हो जाएगा, तो ये माइनस π/6 यहाँ हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा आ जाएगा सॉल्व करने पर 3π/4, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सिंपली मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, और इसको मान लेते हैं दिस इज y1 और दिस इज 2y2 मान लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस y1 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 वैल्यू किसकी होती है हमारी, कॉस π/3 की, तो कॉस π/3। तो y1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/3, दिस इज इक्वल टू π/3। तो यही इसकी जो है वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर y1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं π/3 प्लस 2, y2 यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन y2 इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 क्या होता है, साइन π/6। तो ये हो जाएगा हमारा y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/6,
तो ये सिंपली हमको क्या दे देगा, पाई बाय सिक्स दे देगा, जो कि साइन इनवर्स के रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर में ही है। तो यहाँ पर हम लोग वाई टू की जगह पे पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3, यही आंसर हो गया। 65 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन क्या होगा। पहला ऑप्शन में है जैसे दिया हुआ है कि ये जीरो, वाई की वैल्यू जो है जीरो से पाई के बीच में होगी, कि वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी, कि वाई की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होगी, या वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगी। तो ये तो आपको याद ही है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल पे होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ये हो गया हमारा आंसर, यानी बी इज द करेक्ट। 64 के बाद हमारा है नेक्स्ट, 66 के बाद हमारा है नेक्स्ट 67। 67 में हमें जो है पूछ रहा है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एकदम सिंपल है, इसको जब करेंगे तो ये जो है हमारा मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू। तो वाई इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू हो गया। तो ये हो गया हमारा वाई वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री, और इधर की ओर वाई टू इज इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कि सेक इनवर्स माइनस टू। तो टेन इनवर्स रूट थ्री है हमारा, तो ये सिंपली लिख सकते हैं हम लोग टेन वाई वन इज इक्वल टू रूट थ्री, दिस इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री। तो टेन पाई बाई थ्री हो गया, और ये हमारा जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली वाई वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई थ्री, दिस इज वाई वन इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक वाई टू इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर माइनस सेक पाई बाई थ्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई थ्री, माइनस हट गया, सेक वाई टू दिस इज इक्वल टू सेक टू पाई बाई थ्री, दिस इज सेक वाई टू, देयरफॉर वाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स सेक टू पाई बाई थ्री। तो ये हो जाएगा हमारा वाई टू इज इक्वल टू सिंपली टू पाई बाई थ्री। तो वाई टू हमारा टू पाई बाई थ्री आ गया। यहाँ पर आप पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस टू पाई बाई थ्री, सॉल्व किए तो आ गया माइनस फाइव बाई थ्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया पूरा, और 67 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज है